मेरा फर्स्ट जॉब इन माई लाइफ, माई फर्स्ट क्रश, फर्स्ट ऑडिशन था मेरा, तो सारे भिंडी बाजार में लोग कहने लगा, अरे यार टायर टीवी पे ऐसा है, टायर टीवी पे ऐसा इफेक्ट लगा, बोला यार इसके लिए ही बनाऊ मैं. फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, फॉर एवर टाइम मेरी बीवी. ओके, सो हम एक क्विक सेगमेंट करते हैं, तो आपको इसमें बोलना है आपका सारे जो फर्स्ट थिंग है वो आपने की हो. तो आपका फर्स्ट जॉब कौन सा? मेरा फर्स्ट जॉब इन माई लाइफ, यार मेरे इतने एक्चुअली जिसमें मुझे बहुत सारे पैसे मिले थे ना, मैंने एक कॉलेज में एक लाइव परफॉर्मेंस शूट किया था मैंने, उसके लिए मुझे 2000 रुपये मिले थे, मैं बड़ा खुश हुआ था उसमें यार. और पहली चीज जो आपने खरीदी हो आपके लिए? अपने पैसों, खुद के पैसों से? खुद के पैसों से ना, मैंने तो एक्चुअली ये बड़ा बहुत इसके पहले का भी प्रश्न बहुत पेचीदा है, बिकॉज मैं स्कूल टाइम से ना सोशल्स में इन्वेस्ट करता था. सो एक्चुअली इट्स नॉट दैट, मेरा नॉट माई फर्स्ट प्रॉपर आमदनी इज फ्रॉम दैट शो, बट एक्चुअली मैं होता ना न्यू ईयर की पासिस बेचते हैं कॉलेज में, तो मैं मतलब 800-900 में खरीदता था और 2000-2000 में बेचता था, तो वो एक्चुअली मेरा सबसे पहला काम है जिसमें मैं बहुत पैसे कमाता था. सो अभी ये क्वेश्चन क्या था? वही कि आपने क्या खरीदा. हाँ, तो फिर वो जो पैसा आता था ना उससे मैंने एक, उस जमाने में ना टाइमेक्स की एक घड़ी आई थी, ऐसा उसमें सब प्रोटेक्शन आता था, तो मैंने वो घड़ी खरीदी थी उस पैसे से. और फर्स्ट सेलिब्रिटी मोमेंट? हाँ, वो कभी नहीं भूलूंगा मैं. मैं डिज्नी, दो है एक्चुअली, एक मैं डिज्नी क्लब करके एक शो आता था जिसमें आशीष चौधरी और समीता वनगर की वो द होस्ट, मैं बहुत छोटा था, फोर्थ स्टैंडर्ड में था, और मैं डिज्नी पे आया था दूरदर्शन पे उस शो में, तो सारे भिंडी बाजार में लोग कहने लगा, अरे यार टायर टीवी पे ऐसा है, टायर टीवी पे ऐसा इफेक्ट लगा, बोला यार इसके लिए ही बनाऊँ मैं. और एक्चुअल प्रॉपर सेलिब्रिटी मोमेंट जहाँ पे मैं बिकेम लाइक आई वाज द लीड वाज निशा और उसके कजिन्स आई थी 2014 या 2015 में, और अभी तो मैंने आज शूट किया है, और कल मैं चौपाटी पे घूम रहा था, वहाँ पे मेरा दोस्त आया हुआ था, तो हम लोग चौपाटी जो गिरगाम चौपाटी टाउन में, आई लिव इन साउथ बॉम्बे, तो वहाँ पे मैं घूम रहा था और 4-5 आंटियाँ थी, तो आंटी सब लोग आके बोले विराज तुम्हें विराज छो विराज सर, आई वाज लाइक व्हाट. एंड मैं फिल्म, मैं सिनेमा से हूँ, तो सिनेमा में क्या होता है ना कि आप फिल्म शूट करते हो फिर रिलीज होती है फिर फेम आता है, ये तो मैंने कल शूट किया है और अगले दिन सब लोग मतलब मेरे को पहचानने लगे थे, तो मुझे लगा मेरे अब्बा ने पैसे वैसे दिए हुए क्या मेरे ईगो को बूस्ट करने के लिए. सो दैट वॉज माई फर्स्ट एवर. वो आंटियों को जाके मैंने बहुत जोर से गले लगाया, बोला आंटी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड यार, यू आर टू स्वीट यार. तो और आपका फर्स्ट क्रश? माई फर्स्ट क्रश यार, कितनी मेरे फर्स्ट क्रशेज इतने मैं भूल जाता हूँ, मजाक कर रहा हूँ. तो देर वॉज दिस गर्ल पूना में, एक लड़की थी मुझसे 3 साल बड़ी थी, नाम नहीं लूँगा क्योंकि पता नहीं उसकी शादी वादी हो गई हो, मैं कंट्रोवर्सी कर लूँगा, और मेरे सामने रहती थी हम लोग के घर के, तो वो मेरी फर्स्ट क्रश थी. एंड फर्स्ट टाइम फॉल इन लव? फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, फॉर एवर टाइम मेरी बीवी बैरू. और फर्स्ट ऑडिशन? फर्स्ट ऑडिशन था मेरा तारा करके एक शो था, बहुत सालों पहले, आई थिंक जी पे आता था, नॉट मिस्टेकन, और मैं बहुत छोटा था यार, मैं कुछ 6-7 साल का था, और मैं रायल पदम सिंह के साथ थिएटर करता था तब, तो उन्होंने मुझे भेजा था, जिनमें मैं साउथ बॉम्बे का लड़का आया था रिक्शा में बैठ, मतलब ट्रेन में, फिर रिक्शा में बैठ के लोखंड वाला आया था, और मुझे अभी भी याद है ऑडिशन मैंने किया था और इतना अच्छा ऑडिशन किया था, पर मुझे आप लोगों ने लिया नहीं, नॉट फेयर. और फर्स्ट टाइम जब आपने कुछ अपने एक्सपेंसिव चीज़ खरीदी हो आपके लिए? मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग मैंने अपने लिए कभी नहीं खरीदी, अगर मुझे जब पैसे खर्च नहीं होते तो मैं आई वुड प्रेफर बाइंग समथिंग फॉर माई फैमिली. मेरे साथ, मेरे लिए मैं सब सस्ती चीज़ें खरीदता हूँ, जैसे महंगे में महंगी चीज़ें, मेरे भाई और मेरी भाई और मैंने अम्मी के लिए रोलेक्स की घड़ी खरीदी थी जो मेरे अब्बा का ड्रीम था, पर अब्बा गुजर गए तो फिर हमने सोचा अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी मम्मी को ऐसे पलकों पर बिठा के रखें. और पहली बार जब आपको लगा कि हाँ मुझे एक्टर बनना है? यार मैं तो बचपन से एक्टर था, मैं स्कूल कॉलेज में ट्राई करता रहता था, पर स्कूल में मेरे को वो लोग पेड़ पौधे बनाते थे तो तभी लगा पता नहीं यार ये लोग मेरे को सीरियस नहीं ले रहे. बट आई थिंक जब मैं रायल पदम सिंह के साथ थिएटर कर रहा था, आई थिंक मैं 8-7 साल का था, 7 to about 12, सो दैट टाइम वॉज प्रीटी मच एन एक्टर, आई न्यू के कुछ है, बीज बो चुका था. ओके, एंड थैंक यू सो मच, एंड फॉर आल्सो कांग्रेचुलेशंस आपकी न्यू सीरीज के लिए. यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू.